दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को एक और बड़ा झटका लगा है, जहां एक्सप्रेस ट्रेनों के बाद अब लोकल ट्रेनों को भी रद्द करने का सूची जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ से ट्रेन से सफर करने वाले, बाहर जाने वाले और अंदर आने वाले सभी तमाम छत्तीसगढ़ के लाखों यात्रियों को एक बार फिर से तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों के बाद अब लोकल ट्रेनों को भी रद्द कर दिया है, क्योंकि 16 से लेकर 18 नवंबर तक रायपुर बिलासपुर के बीच तकरीबन 9 लोकल ट्रेनों को रद्द करने को लेकर आदेश जारी हुआ है। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के हदबंद तिलदा नेवरा सेक्शन में रोड अंडरब्रिज का काम होगा, जिसके कारण ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक किया जाएगा। यही बड़ी वजह है कि ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कामों को जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है और इसके अंतर्गत रायपुर रेल मंडल के हदबंद तिलदा नेवरा सेक्शन में रोड अंडरब्रिज निर्माण के लिए बॉक्स पुशिंग के लिए रिलीविंग गर्डर लॉन्चिंग की जाएगी और रेलवे का कहना है कि इस कार्य के पूर्ण होते ही सड़क मार्ग के उपयोगकर्ताओं को सुविधाओं के साथ साथ गाड़ियों के परिचालन में गतिशीलता आएगी। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव संपन्न हो गया, जहां शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक की बात करें तो तकरीबन 46% की वोटिंग हुई। 2023 विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 10% कम मतदान देखने को मिला है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में मतदान पूरी तरह खत्म हो चुका है, जहां निर्वाचन आयोग ने शाम 5 बजे तक के मतदान आंकड़े जारी किए और इसके मुताबिक दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के 46.43% मतदान संपन्न हुए। हालांकि ये अंतिम आंकड़ा नहीं रहा, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अंतिम आंकड़ा आज जारी करेगा। बता दें कि 2023 विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार तकरीबन 10% कम मतदान संपन्न हुआ है। 2023 के विधानसभा चुनाव में रायपुर दक्षिण में तकरीबन 60% का मतदान हुआ था, तो वही 2018 के विधानसभा चुनाव में 61% का मतदान संपन्न हुआ था। बता दें कि रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान में, जिसका परिणाम 23 नवंबर को जारी किया जाएगा, 30 प्रत्याशी मैदान में हैं और इन सभी के भाग्य का किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुका है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश और सामान्य अवकाश की भी घोषणा की गई थी। गौरव दिवस पर 7 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली गई, जहां जसपुर में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने की घोषणा करी गई। मनसुख मंडाविया ने कहा कि आदिवासी खिलाड़ी अब ओलंपिक खेलेंगे। सीएम ने कहा कि 14 से 15 नवंबर को रायपुर में प्रदर्शनी होगा। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने को लेकर घोषणा की गई, जहां केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसकी घोषणा जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में करी। सीएम साय ने स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने की मांग की थी, जहां मंत्री मंडाविया ने कहा कि इसी स्टेडियम में आदिवासी खिलाड़ी ओलंपिक खेलेंगे, यही शुभकामनाएं हैं। कार्यक्रम के बाद माटी के वीर नाम से तकरीबन 7 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली गई और जसपुर के बाला छापर से यह लगभग 7 किलोमीटर लंबी पदयात्रा शुरू हुई, जो कई चौक चौराहों से होते हुए रणजीता स्टेडियम तक पहुंची। पदयात्रा के दौरान गमहरिया चौक पर जनजातीय समुदायों के प्राचीन अस्त्र और शस्त्रों साथ ही वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। समापन कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि यात्रा में शामिल होकर यहाँ की आदिवासी संस्कृति और विरासत को देखने और जानने का अवसर मिला। यात्रा से युवाओं को एकजुट होने और समाज को देश के प्रति जागरूक बनाते हुए उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है। बस्तर में आरक्षक के तकरीबन 5,967 पदों पर सीधी भर्ती होने जा रही है, जिसके लिए 16 नवंबर से लेकर 2 जनवरी तक जगदलपुर में फिजिकल टेस्ट आयोजित होगा। अफसरों ने कहा कि ठगों से अब सतर्क रहने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आरक्षक के तकरीबन 5,967 पदों के लिए सीधी भर्ती होने जा रही है। 16 नवंबर से लेकर 2 जनवरी 2025 तक प्रथम चरण में दस्तावेजों की जांच, फिजिकल टेस्ट होगा। पुलिस ने इसके लिए 13 नवंबर को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बस्तर संभाग के बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर के लिए भर्ती निकाली गई है। साल 2023 में पुलिस ने भर्ती के लिए आवेदन निकाला था, जहां 1 जनवरी 2024 से 6 मार्च 2024 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। तो वहीं भर्ती प्रक्रिया अब 16 नवंबर से 1 जनवरी के बीच जगदलपुर के सीएफ के 5वीं बटालियन के कैंप में आयोजित होने जा रही है। दस्तावेजों की जांच, शारीरिक नापजोख, शारीरिक दक्षता परीक्षा, अभ्यर्थियों को सुबह 5:30 बजे तक उपस्थित होना होगा। इन सभी परीक्षाओं के लिए
वहीं इससे संबंधित और अधिक जानकारी अभ्यर्थी जो है cgpolice.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही बस्तर पुलिस ने आरक्षक अभ्यर्थियों से अपील की है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ ही होगी और किसी भी व्यक्ति संगठन की तरफ से यदि आरक्षक बनने के लिए पैसे की डिमांड की जाती है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए। शिकायत मिलने पर पुलिस इस मामले पर त्वरित कार्यवाही भी लेगा। भिलाई स्टील प्लांट से बड़ी खबर, जहां जहरीली गैस के रिसाव के मामले को लेकर बड़ी खबर है। 3 मजदूर इसकी चपेट में आ गए हैं जिनके हालात बेहद गंभीर हैं। भिलाई स्टील प्लांट में बीती जो है शाम को एक बड़ा हादसा हो गया, जहां ब्लास्ट फर्नेस 6 के स्टो नंबर 18 में गैस का रिसाव हो गया, जहां काम कर रहे 3 मजदूर गैस की चपेट में आ गए। तीनों के हालात बेहद गंभीर है। भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन से मिली जानकारी के मुताबिक हादसा बुधवार दोपहर 1:30 बजे का है। आनंद फानंद में मेडिकल स्टाफ वहां पहुंचा, जहां तीनों मजदूर को बेहोशी की हालत में मेन मेडिकल पोस्ट पहुंचाया गया है। तीनों के हालात गंभीर होने से उन्हें सेक्टर 9 हॉस्पिटल रेफर किया गया और तीनों का इलाज जहां जारी है। फिलहाल तीनों मजदूरों के हालात गंभीर है और घटना के बाद बीएसपी प्रबंधन ने आला अधिकारी को लेकर मौके पर पहुंचे, जहां अभी तक गैस के रिसाव का कारण नहीं पता चल पाया है। भट्टी पुलिस भी मामले में अब जांच कर रही है। तेलीबांधा में 3 किलोमीटर लंबा वाई सेफ का फ्लाईओवर निर्मित होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ का ये सबसे लंबा ब्रिज होगा, जहां टाटीबंध से लेकर लाभांडी तक बिना ट्रैफिक पार पूरा शहर पार कर सकते हैं। रायपुर के सबसे व्यस्ततम चौक चौराहे तेलीबांधा चौक पर प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर निर्मित होने जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रायपुर में तेलीबांधा सरोना उद्योग भवन और धनेली में फ्लाईओवर बनाने की घोषणा की है। तेलीबांधा से लेकर उद्योग भवन और धनेली फ्लाईओवर बनने से टाटीबंध से बिना किसी ट्रैफिक सिग्नल रिंग रोड होते हुए शहर पार कर सकते हैं। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या तो दूर होगी ही, साथ ही बात करें फायदे की तो ट्रैफिक फ्लाईओवर बनने की वजह से ट्रैफिक समस्या दूर होगी, तो वहीं राजनांदगांव भिलाई और दुर्ग से आने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। तेलीबांधा चौक पर जाम नहीं लगेगा और बड़ी गाड़ियां और ट्रक सीधे फ्लाईओवर से निकल सकते हैं। वहीं आरंग की तरफ आने वाले को भी ट्रैफिक से नहीं जूझना पड़ेगा। उद्योग भवन फ्लाईओवर की बात करें तो ये 40 करोड़ की लागत से निर्मित होगा, जहां अंडर ब्रिज भी बनाया जाएगा। इसकी वजह से महावीर नगर, राजेंद्र नगर, उद्योग भवन की तरफ जाने वाले लोग ब्रिज से डायरेक्टली जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तेलीबांधा फ्लाईओवर की, तो ये 6 लेन का फ्लाईओवर बनेगा, जिसकी लंबाई तकरीबन 3.5 किलोमीटर तक होगी। ये वाई शेप में बनने वाला पहला फ्लाईओवर होगा प्रदेश का। वहीं एक्सप्रेसवे आर्क ब्रिज से चढ़कर वीआईपी चौक से पास करेंसी टावर के पास उतर सकते हैं। वहीं 6 लेन में 2 जगह चढ़ने और उतरने की सुविधा इस फ्लाईओवर में होने वाली है। रायगढ़ में ग्रामीणों ने एक बार फिर से सड़क की जो है दुर्घटनाओं को लेकर के लगातार चक्का जाम किया है, जहां जर्जर सड़क को सुधारने की मांग को लेकर प्रशासन के आश्वासन के बाद अब तक काम नहीं शुरू होने को लेकर नाराज इन ग्रामीणों ने एक बार फिर से चक्का जाम कर दिया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के खमरिया की खबर है, जहां ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है। खराब सड़क को सुधरवाने के लिए ये लगातार दूसरी बार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके पहले जब ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया था तो प्रशासन ने 15 अक्टूबर के बाद सड़क बनवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक सड़क सुधार का काम नहीं शुरू हो सका है। वहीं बुधवार की सुबह 11 बजे से तमनार ब्लॉक के खमरिया, पेलमा, उर्बा और जरहीडी, साथी कोरकेल और सरसमाल, बांजीखोल और बजरमुरा के ग्रामीणों ने खमरिया साप्ताहिक बाजार के पास पहुंचने लगे और इसके बाद इन्होंने यहां शाम होते होते चक्का जाम कर दिया। धीरे धीरे तकरीबन 100 से अधिक लोग आंदोलन स्थल पर पहुंच गए और अपना विरोध जताने लगे। काराडीपा से लेकर मिलुपारा तक तकरीबन 12 किलोमीटर की सड़क काफी खराब हालत में है और इस रोड से हर दिन तकरीबन 10 से 12 गांवों के लोग अपना आना जाना करते हैं, जिस कारण इन्हें काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। सड़क पर चलना भी अब मुश्किल हो चुका है। 34वीं राष्ट्रीय मलखम प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है। 14 से लेकर 18 नवंबर तक इसका आयोजन होगा और देश भर के खिलाड़ी अपना कर्तव्य यहां दिखाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 34वीं राष्ट्रीय मलखम प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है। मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया के मार्गदर्शन में 14 से लेकर 18 नवंबर तक बीआर यादव इंडोर खेल परिसर बहराई में इसका आयोजन होगा। जूनियर बालक बालिका और 37वीं सीनियर महिला पुरुष राष्ट्रीय मलखम प्रतियोगिता पूरे देश भर में तकरीबन 600 खिलाड़ी
शिरकत करेंगे और 100 अधिकारी निर्णायक भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन आज से होने जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सुशांत शुक्ला, विधायक बेलतरा प्रवीण झा, उद्योगपति अतिथि के तौर पर अरविंद तिवारी, कुल सचिव डॉक्टर सी वी रमन विश्वविद्यालय के साथ ही नवीन सिंह और मुख्य सामग्री प्रबंधक SECR के यहाँ पर शामिल होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब एक लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आ रहा है, जहां शादी में परिजन और मेहमान सब फर्जी निकले, 3 लाख ठगे और फिर जेवर लेकर फरार हो गया और बंटी बबली समेत कुल 4 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है। छत्तीसगढ़ में लुटेरी दुल्हन गैंग ने तकरीबन 3 लाख रुपए की ठगी की, जिसके बाद दुल्हन ने अपने तमाम दस्तावेज और गहने जेवर लेकर के फरार हो गई। ये गिरोह ओवर एज और जिन लड़कों की शादी नहीं होती थी उन्हें ही टारगेट करता था। पुलिस ने बंटी बबली समेत 4 आरोपितों को है। मामला बसना थाना क्षेत्र के भवरपुर चौकी का बताया जा रहा है। आरोपियों ने शादी में बड़ी चालाकी से फर्जी परिजन और फर्जी रिश्तेदार भी बुलाए, जिससे दूल्हे और उसके परिजनों को कोई भी शक नहीं हुआ। इससे बंटी बबली गिरोह में तकरीबन ठगी की वारदात को अंजाम देने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। 35 साल के जोगी दादर को गुप्ता को सुनानी उर्फ राकेश के बारे में पता चला, जिससे वह शादी कराते हैं। उसी से संपर्क करने पर उसने शादी के लिए लड़की होने की बात कही है और ये तमाम मामला अब एक बार फिर पुलिस के सामने पहुंचा तो इनका खुलासा हुआ है। ट्रक की टक्कर से पति पत्नी समेत बच्चे की मौत हो गई, बाइक से उछलकर पूरा परिवार दूर जा गिरा। वहीं बात करें जगदलपुर का ये मामला है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी और बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा इतना भयंकर था कि दोनों पति पत्नी और बच्चा बाइक से दूर जाकर गिरे। वहीं मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के आमागुड़ा चौक के पास का है। मृतकों में गुरुबंधु, उसकी पत्नी और अनीता, साथ ही बेटा त्रिनाथ शामिल है। तीनों लोग उड़ीसा के रहने वाले थे। वहीं जगदलपुर हाईवे पर स्थित बस्तर हाट घूमने आए हुए थे, लौटते वक्त ये हादसे का शिकार हो गए। बीजेपी विधायक रिकेश सेन ने अपने सभी प्रतिनिधियों को अपने पद से हटा दिया है। पद के दुरुपयोग की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जहां 250 से अधिक विधायक प्रतिनिधि इन्होंने नियुक्त किए हुए थे। मिलाई के वैशाली नगर से बीजेपी विधायक रिकेश सेन ने बीते दिन वार्ड, समाज, निगम और प्रशासन समेत विभागों में नियुक्त सभी विधायक प्रतिनिधियों को पद का समाप्त कर दिया है। बता दें, विधायक के पास लगातार शिकायतें आ रही थी कि कुछ लोग खुद को विधायक प्रतिनिधि बताकर शहर में गलत कार्य कर रहे थे। इससे पार्टी की छवि भी खराब हो रही थी और इसीलिए यह निर्णय लिया गया है। दरअसल विधायक बनने के बाद से विधायक रिकेश सेन ने विधानसभा के सभी वार्ड, क्षेत्र, समाज और निगम में तकरीबन 250 से अधिक विधायक प्रतिनिधियों की नियुक्ति की थी। रिकेश सेन ने 12 नवंबर की शाम विधायक कार्यालय के सामने एक बैठक बुलाई, जहां विधायक ने कहा कि भले उन्होंने पद समाप्त कर दिया है, लेकिन सभी लोग अपनी टीम के साथ पहले की तरह भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। इस फैसले के बाद शहर से अचानक सैकड़ों ऐसी गाड़ियां गायब हो गई हैं जो विधायक प्रतिनिधि का बोर्ड कर घूमती थी। ये लोग गाड़ी के आगे बोर्ड पर बड़े अक्षरों में विधायक और बहुत छोटे अक्षरों में प्रतिनिधि लिखकर घूमते थे। कुछ समय पहले ही जेल में बंद महादेव सट्टा के आरोपी और निगरानी बदमाश दीपक नेपाली के छोटे भाई लुकेश नेपाली ने दुर्ग SP जितेंद्र शुक्ला को वीडियो जारी करके धमकी दी थी और उस समय पुलिस की तलाश की जा रही थी, लेकिन अभी वो शहर में ही घूम रहा है। बेकाबू स्कॉर्पियो ने बाइक और स्कूटी समेत ठेले को टक्कर मार दी, जहां एक की मौत हो गई जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भीड़ ने वाहन को ही आग के हवाले कर दिया। रायपुर अंबिकापुर दरिमा मार्ग पर ग्रामकंठी में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 2 बाइक और एक स्कूटी तथा एक ठेले को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस दौरान उसने 7 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक युवक की जान भी चली गई जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे में गुस्साई भीड़ ने जो है स्कॉर्पियो को आग के वाले कर दिया। थोड़ी देर में स्कॉर्पियो पूरी तरह जलकर खाक हो गई, तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 लोगों के हालात बेहद नाजुक बताए जा रहे हैं। बीती देर शाम तकरीबन 7 बजे काले रंग की स्कॉर्पियो, जो कि दरिमा की ओर से तेज रफ्तार से अंबिकापुर की ओर जा रही थी, और इसी बीच स्कॉर्पियो ने ग्रामकंठी मुख्य मार्ग पर 2 बाइक और स्कूटी सवार तथा सड़क किनारे लगे एक ठेले को टक्कर मार दी, जिससे ये भीषण हादसा हुआ है।
और अब विरोध प्रदर्शन का एक अनूठा तरीका देखने को मिल रहा है, जहां सड़क निर्माण में देरी और उड़ती धूल से निजात पाने के लिए स्कूल प्रबंधन ने बच्चों से ही पानी पर सड़क पर जो है पानी डलवाया है। कांकेर जिले में अंतागढ़ में निजी स्कूल प्रबंधन ने सड़क के निर्माण में हो रही देरी को लेकर विरोध करने पर मासूम बच्चों की सेहत से खिलवाड़ कर दिया। सड़क निर्माण में देरी से उड़ रही धूल को लेकर स्कूल प्रबंधन ने पहले सड़क में पानी का छिड़काव करवाने प्रशासन को पत्र लिखा और इसके बावजूद प्रशासन ने जब ध्यान नहीं दिया तो स्कूल प्रबंधन ने बच्चों के साथ सड़क पर उतरकर पानी का छिड़काव करवा दिया। अंतागढ़ से सामने आई इन तस्वीरों ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। उड़ती धूल के बीच को लेकर यहां पर पानी डलवाने को लेकर अब स्कूल प्रबंधन पर भी को जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो लगातार इस उड़ती धूल से परेशान होकर के तंग आकर स्कूल प्रबंधन ने ये मामला उठाया है।